दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। हमारी सरकार चाहती है कि पूरे देश के लोग सिर्फ काबुल देखें, काबुल में जो हो रहा है सिर्फ उसको जानें, कोई करनाल के बारे में न जाने। इसलिए आप देख रहे होंगे कि इस वक्त भारत के जो टेलीविजन हैं, अगर अखबारों को सुबह न पढ़ें आप और वेबसाइट्स पर न जाएं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हरियाणा में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, यूपी में क्या हो रहा है। मुजफ्फरनगर का जो किसान महापंचायत जैसा बड़ा आयोजन था, उसको भी टेलीविजन चैनलों ने, देश के जो अपने को राष्ट्रीय चैनल कहते हैं, सरकारी चैनल नहीं कहते, प्रशासनिक चैनल नहीं कहते, वो कहते हैं राष्ट्रीय चैनल, लेकिन अपने ही राष्ट्र की एक बड़ी खबर को उन्होंने टोटल उसको ब्लैकआउट किया। ठीक उसी तरह से करनाल को कल लोग खोजते रहे कि करनाल किधर है, क्या हो रहा है करनाल में, लेकिन कुछ नहीं। हमसे कई लोगों ने सोशल मीडिया पर पूछा कि करनाल की क्या घटना है जिसका जिक्र किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। लोगों को अंदाज नहीं था, लेकिन बहरहाल रात को कुछ एक चैनलों ने कृपा की और थोड़ी सी संयम के साथ, कंट्रोल के साथ, सेल्फ रेगुलेशन के साथ उन्होंने थोड़ा बहुत दिखा दिया। अब आज क्या हो रहा है कि आज किसान आंदोलन का जो एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव सामने आ गया है, क्योंकि इसको करनाल का केवल डेरा मत समझिए, ये मत समझिए कि इस समय किसान जो है करनाल पर डेरा डाले हुए हैं। मिनी सेक्रेटेरिएट जो हरियाणा सरकार का है उसको चारों तरफ से घेर रखा है, सिर्फ ये मत समझिए। और सिर्फ ये भी मत समझिए कि ये किसी एक SDM के सस्पेंशन या उस पर कार्रवाई की डिमांड के लिए केवल ये लड़ाई है। यह भी मत समझिए कि ये कोई निगोशिएशन ऐसा हो रहा है पर्दे के पीछे से कि कोई कमेटी बन जाएगी और फिर मामला रफा दफा हो जाएगा। देखिए, इसमें बड़े गंभीर इसके कुछ पहलू हैं, इन गुत्थियों को समझना होगा। और वो जो गुत्थियां हैं जिनको कि टेलीविजन नहीं बता रहा है, मीडिया हमारा नहीं बता रहा है, पहली बात कि जो 3 कृषि कानून है जिनको कि हमारे किसान देश के, वो ये कहते हैं कि इनको पूरी तरह वापस लीजिए, कोई संशोधन नहीं, कोई तब्दीली की बात नहीं है, पूरी तरह वापस लीजिए। तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि क्यों भाई, क्योंकि इन कानूनों में बेहद विसंगतियां हैं। स्वयं सरकार निगोशिएशन जब चल रहा था किसानों के साथ, तो उसने माना कि हाँ 37 ऐसे प्रावधान हैं जो स्वयं सरकार ने मान लिया कि वो फॉल्टी हैं, वो बहुत ही गड़बड़ है, लेकिन सरकार बदलने को तैयार नहीं। सरकार ने आश्वासन दिया किसानों को उसी दौरान कि इलेक्ट्रिसिटी बिल को वो नहीं लाएंगे, वो पराली जलाने को लेकर जो बहुत सारी बंदिशें थी उन पर हम कुछ सहयोग करेंगे, किसानों के लिए मरुवत करेंगे, कोई सहूलियत करेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। और इलेक्ट्रिसिटी बिल पर सरकार ने क्या किया हम सब जानते हैं दोस्तों। तो मेरा ये कहना है कि ऐसी स्थिति में जो कृषि कानून का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है और वो इंपावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फेयर सर्विसेज, इसको आम लोग जो भाषा अपनी भाषा इस्तेमाल करते हैं किसान या आम लोग, वो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ये कानून है। 3 में से एक कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून बोला जा रहा है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून में ही एक बहुत महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है कि अगर कॉरपोरेट कंपनियों या कोई भी जो हमारे किसान भाइयों की जमीन लेकर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा, कोई भी उनके बीच में विवाद होता है, प्रावधानों को लेकर कोई असंगति पैदा होती है, तो उसका आर्बिट्रेशन कहां होगा, उसकी सुनवाई का मंच क्या होगा। आपको मालूम है भारत के संविधान के मुताबिक कोई भी व्यक्ति अगर किसी कारण से कोई शिकायत किसी से है, कोई मामला अगर है, तो न्यायालय जा सकता है, वो लोअर कोर्ट जाएगा, फिर हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। लेकिन किसानों के लिए इन 3 कृषि कानूनों के जरिए भारत सरकार ने जो कानून बनाया है उसमें क्या है कि वो SDM के यहां केवल जा सकते हैं, अधिक से अधिक DM के यहां कुछ एक मामले जा सकते हैं भाई, लेकिन SDM को मुख्य पदाधिकारी बनाया गया है, जिस पर सरकार थोड़ा बहुत सहूलियत देने को तैयार थी कि चलो जी हम इसको थोड़ा और बढ़ा देंगे, ADM बना देंगे, ये DM बना देंगे, लेकिन कुल मिलाकर एडमिनिस्ट्रेशन ही जो मुख्यमंत्री के अधीन
जो किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन काम करने वाला अधिकारी है वही जो है जज होगा। किसके किसके बीच, अब आप कल्पना कीजिए। यानी अगर बड़े कारपोरेट देश के जो सीधे सरकार चलाने वाली पार्टियों को या विपक्ष की बड़ी पार्टियों को भी वही चंदा देते हैं, बहुत बड़ा बड़ा चंदा देते हैं चुनाव में, और ये सब रिकॉर्ड पर है, तो वो लोग अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे किसानों की जमीन पर और कोई विवाद पैदा होगा तो उनके मातहत जो सरकारें चल रही हैं और उन सरकारों के मातहत जो काम करने वाले एसडीएम रैंक के पदाधिकारी हैं वो जज बनेंगे, वही निपटारा करेंगे। ये कैसे संभव है दोस्तों? क्या ये एसडीएम जो आदेश देता है कि किसी कीमत पर किसानों को पीसफुल ढंग से भी आगे मत बढ़ने दो, अगर वो बढ़ते हैं वो क्या कहते हैं, अगर वो इस बैरिकेड को तोड़ते हैं, और हम सब जानते हैं कि जन आंदोलनों में बैरिकेड कैसे टूटे हैं। अयोध्या में क्या होता था, उत्तर प्रदेश बिहार के अनेक गुजरात अनेक शहरों में अनेक क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या करते थे, विश्व हिंदू परिषद आज भी क्या करती है, बजरंग दल क्या करता है। लेकिन किसान तो बेहद ऑर्गेनाइज ढंग से, अगर एक घटना को छोड़ दिया जाए जिसमें बाहर के लोगों का हस्तक्षेप ज्यादा था, किसानों ने बिल्कुल ऑर्गेनाइज ढंग से अनुशासित ढंग से काम किया है। लेकिन एसडीएम ने क्या कहा, वो एसडीएम जो 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 आर्बिट्रेटर है, जो जज एक तरह का है, एक तरह से जज निर्णय करने वाला कारपोरेट और किसानों के बीच के विवाद पर, वो एसडीएम कहता है कि सीधे सर पर लाठी मारना, सर तोड़ देना। और जब ऐसे एसडीएम के खिलाफ आर्बिट्रेटर एक तरह का जज किसानों के बारे में जो कानून आया है कृषि कानून, उस पर उसमें वो उसके बारे में जब किसान आवाज उठा रहे कि भाई उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं की, आपने उनको सेक्रेटेरिएट में डाला और वो भी थोड़ा पद ऊपर हो गया, ये क्या है? जो स्वयं हिंसा की वकालत करना कर रहा है, सर तोड़ देना, हिंसा की वकालत करने वाले एक पदाधिकारी को, चाहे वो पदाधिकारी ही क्यों ना हो, सरकार के किसी नुमाइंदे को हिंसा का बढ़ावा देने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। लेकिन आप आह्वान कर रहे हैं पुलिस वालों को कि आप सर पे मारना, और जब वो कह रहे हैं कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए तो आप मानते नहीं। उन्होंने, सरकार ने जब कहा कल कि हम निगोशिएट करने को तैयार हैं, उन्होंने एक अपने मेंब्रांस को भेजा सरकार से निगोशिएट करने के लिए करनाल में, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। और जब सुनवाई नहीं हुई तब जाकर उन्होंने डेरा डाला है मिनी सेक्रेटरिएट के सामने, लंगर लग गए हैं, महिलाएं पुरुष बच्चे बूढ़े सब जुट गए हैं। अब इसके लिए कौन जवाबदेह है, कौन जिम्मेदार है? वो कहेंगे किसान जिम्मेदार है। यानी तमाम हरकतें आप कीजिए, उकसावेबाजी कीजिए, निरंकुश आचरण कीजिए, झूठ और फरेब का पूरा तंत्र बुनिए, जाल बुनिए और आरोप लगाइए किसानों पर, कुछ ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इतने सारे आश्वासन दिए गए और एक आश्वासन को सरकार ने आज तक एग्जीक्यूट नहीं किया है। और अब जब किसान आंदोलन एक नए पड़ाव पर है, एक नई मंजिलों की तरफ बढ़ रहा है, पीसफुल डेमोक्रेटिक किसान आंदोलन, तब बड़ी दिलचस्प एक घटना कल से नजर आने लगी है। और वो क्या, क्योंकि लोगों को यह लग रहा है, आम लोगों को देश के, कि भारत की इतनी ज्यादा समस्याएं हैं लेकिन रोज काबुल काबुल काबुल, ये क्या इस देश के टेलीविजन चैनल दिखा रहे हैं सुबह से लेकर रात तक। अब उनको बेचारे आम आदमी को क्या मालूम कि यह सब सरकार करा रही है, ये सब सरकार के निर्देशों के हिसाब से चलता है इस देश के टेलीविजन चैनल, क्योंकि अखबारों में तो ऐसा नहीं हो रहा है। अखबारों में तो ठीक है, सभी तरह का कवरेज आ रहा है, हर तरह की चीजें आ रही हैं, ये आप मान सकते हैं कि उनके यहाँ कुछ बैलेंस कम है अधिक है, कुछ खबरें जो बहुत जरूरी हैं वो बीच के पेज पर चली जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत के जो अखबार हैं खासकर अंग्रेजी अखबार, वो बिल्कुल भारत की समस्याओं को, भारत की जनता को, भारत के आवाम की समस्याओं को बिल्कुल छापते ही नहीं। लेकिन टेलीविजन तो वही करेगा जो सरकार, क्यों? क्योंकि सरकार को मालूम है कि टेलीविजन घर घर में पहुंचा हुआ है,
लोगों के दिमागों को बदलने का सबसे बड़ा औजार है टेलीविजन, और इसीलिए सबसे अधिक नजर टेलीविजन पर है। और दोस्तों, तो टेलीविजन पर क्या किया गया है कि अब काबुल से लोगों का जब मोह भंग हो रहा है, बहुत हो गया काबुल, तो अब तो वहां सरकार भी बन गई, चाहे जैसे लोगों की बनी हो वो अलग विषय है। वो उसको डिप्लोमेटिक प्लेन पर, डिप्लोमेटिक स्तर पर भारत को फाइट आउट करना चाहिए, भारत की सरकार को। वो कैसे करेगी वो उनका मुद्दा है। लेकिन अब जब जनता की ओर से भी सवाल उठ गया कि भाई ये रोज रोज भारत के मामले को हट दिखाने के बजाय रोज अफगानिस्तान सुबह से लेकर रात तक क्यों हो रहा है, तब अब किसान पर भी थोड़ी बात होने लगी। लेकिन बात क्या होने लगी, अच्छे अच्छे जो अपने को कहने वाले टेलीविजन चैनल हैं, वो सुबह से लेकर रात तक अभी जो कभी कभी बीच में डिबेट दिखा रहे हैं किसानों के मसले पर, तो करनाल का इशू हो, मुजफ्फरनगर की महापंचायत हो, या उसके बाद के डेवलपमेंट्स हो, किसी भी डेवलपमेंट पर वो किसानों के नुमाइंदों के साथ, बड़े जो एग्रेरियन एक्सपर्ट्स हैं, कृषि मामलों के एक्सपर्ट्स हैं, उनको नहीं बुलाते। वो किनको बुलाते हैं? इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को भी नहीं बुलाते, वो बुलाते हैं आरएसएस के संगठन, भारतीय किसान संघ को, वो बुलाते हैं भारतीय मजदूर संघ को। अभी भारतीय किसान संघ जो है, जो कहीं विलुप्त हो गया था, अभी वो अवतरित हो गया है। और वो अवतरित क्या हुआ है, उसने यहां पर जंतर मंतर पर एक धरना दिया है कि एमएसपी पर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। सरकार ने एमएसपी पर एक घोषणा भी की है। किसानों ने साफ कहा है कि ये पूरा का पूरा आंकड़ों का फरेब है, इसमें कोई बढ़ोतरी बल्कि घटोतरी है, और नीचे चीजें चली गई हैं। अगर कैलकुलेट आप कीजिए किसानों के एक्सपेंसेस को, किसानों के खर्च को, वो पूरा का पूरा पैमाना जो अपनाया गया है वही गलत है। लेकिन किसान संघ जो है, भारतीय किसान संघ जो आरएसएस का है, अब वो इस लड़ाई में एक प्रमुख किरदार के रूप में पेश किया जा रहा है टेलीविजन चैनलों पर। और अच्छा अपने को कहने वाले टेलीविजन चैनल जो अलगाते हैं दूसरे चैनलों से, उन पर भी हमेशा आप देखेंगे कि अगर एक बीकेयू का रिप्रेजेंटेटिव है, यानी भारतीय किसान यूनियन का, जो लड़ाई लड़ रहे हैं लोग उसमें, या पंजाब के कुछ किसान कभी कभी आ जाते हैं, तो भारतीय किसान यूनियन जो संघ है आरएसएस का, उसके तीन तीन दो दो नुमाइंदे रहते हैं। आज हमने देखा एक टेलीविजन चैनल पर कि उस पर कुल मिलाकर चार लोग बैठे थे, एक बीकेयू का रिप्रेजेंटेटिव और तीन आरएसएस बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव। क्या बहस है, किस तरह की बहस कराई जा रही है, और जनता के आंखों में क्या धूल झोंका जा रहा है, कैसे जनता को गुमराह किया जा रहा है इन टेलीविजन चैनलों द्वारा, इसका ये सबसे बड़ा सबूत है। तो दोस्तों, आज हम यही आपसे बात करना चाहते थे कि इस वक्त जबकि किसान आंदोलन जो है वो एक नई दिशा की तरफ है, उसने ये साबित कर दिया है कि ये सरकार कृषि कानूनों को लेकर सरासर झूठ बोल रही थी, और एसडीएम को जो उसमें आर्बिट्रेटर बनाया गया, उसमें जो एक तरह से जज नुमा एक प्राधिकार उसको दिया गया, वो कैसे ढोंग है, कैसे ढकोसला है, इन सारी बातों का खुला पर्दाफाश हो गया है, तब भी ये सरकार मानने को तैयार नहीं है। ये साबित करता है कि जनतंत्र नाम की जो एक चीज है अपने समाज में, वो वाकई सरकार उसको किसी भी कीमत पर उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहती है। वो डेमोक्रेसी से बिल्कुल अपने को अलग रखती है, उसको लगता है कि जो वो सोचती है वही होगा और किसी का कुछ भी हम नहीं सुनेंगे। कॉरपोरेट की भलाई, कॉरपोरेट के इंटरेस्ट के अलावा उसको किसी के इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं है। इन शब्दों के साथ आज बस इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। Thank you.